हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबको राम राम और अकवाबा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मीनाक्षी एन इंडियन इन घाना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज हूँ साड़ी गेटअप में। मैं जा रही हूँ आज एक प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम का नाम है रिदम एंड सोल। ग्रुप है यहाँ पर, एक म्यूजिकल ग्रुप है और वो लोग लता मंगेशकर जी और बप्पी दा के लिए एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं उस शो की होस्ट हूँ, यानी मैं उस शो की एंकर हूँ। तो आपको लेकर चलती हूँ वहाँ पर और आपको वहाँ का वीडियोस दिखाती हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। दोस्तों, मैंने गलत बोल दिया था, लता दी और बप्पी दा के लिए नहीं, उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए रिदम एंड सोल ग्रुप ने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज़ किया था। और दोस्तों, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगी, इस शो से मैंने अपना प्रोफेशनल एंकर का करियर भी स्टार्ट किया है। बताया था कि ये जो नाइट है ये लता जी और बप्पी दा के लिए है, तो ये लता दीदी की फैमिली। ये जो खूबसूरत सा आपको हॉल दिखाई दे रहा है, ये है, मतलब इसका नाम है घाना एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये एयरपोर्ट एरिया में है और ये काफ़ी खूबसूरत है। यकीन मानिए आज की म्यूजिकल शाम आपको सुरों की दुनिया में लेके जाएगी। थोड़ा शोर तो मचाइए, थोड़ा जोश तो दिखाइए, तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ा हाथ तो खिलाइए। संगीत को कभी सीमाओं में नहीं बांधा, संगीत हमें अपने साथ लाता है, हंसाता है। हमारे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं है जब संगीत हमारा साथ नहीं होता है। संगीत सबके दिलों में बसता है, संगीत सबके दिलों में राज करता है। अपना दांतु बिना पानी सेनापति चंद्र वासवानी पिंपल त्रिमानी जयंता घोषा शिप्रा अग्रवाल स्मिता हरि मीनू मिलिया। विदमन सोल के सभी मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम।
काम नहीं है कि संगीत के क्षेत्र में लता दी से पढ़कर कोई भी प्रश्न नहीं। लता दीदी के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हजारों गीतों को देकर अपनी सुरमई आवाज, हजारों गीतों को देकर अपनी सुरमई आवाज, जीता है लता जी ने स्वर कोकिला का ताज। माँ सरस्वती का भी रूप, माँ सरस्वती का भी रूप कोकिला समान था उनके कंठ का स्वरूप। जाना उनका एक महान युग का है अंत, सुरों की महफिल में अपना आएगा वैसा बसंत। लता दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बप्पी लहरी यानी बॉलीवुड के रॉक स्टार बप्पी दा, दो लाइनें बप्पी दा के लिए। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पांव मेरे तो कभी थरकते थे जब चलना आता नहीं था। वाह वाह वाह, तो आज की ये खूबसूरत शाम इन दोनों कलाकारों के नाम है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, अजी बाबा चाहिए, बाबा बाबा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, प्यार हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। इस मोहब्बत की बात आगे बढ़ाते हुए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इस खूबसूरत गाने को जो स्टेज पर लेकर आ रही है सानी नहीं है दूसरा कोई जिसकी सुरताल का, सानी नहीं है दूसरा कोई जिसकी सुरताल का, तालियों के बीच स्वागत करते हैं शिप्रा अग्रवाल का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किशोर दा भक्ति दा के रिश्ते में मामा लगते थे, तो मामा खानी की जोड़ी की जुगलबंदी लेकर स्टेज पर आ रही हैं, जिनकी मधोश आवाज से मधोश हो जाता है हर पांडाल, जिनकी मधोश आवाज से मधोश हो जाता है हर पांडाल। दादा जिन्हें हम कहते हैं प्यार से, नाम है उनका जयंता घोषाल। और आ रही है भोली सी सूरत, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, वो है हमारी बिना पानी सेनापति। जितनी हंसी है ना दुल्हन बनी है माँ, जितनी हंसी है ना दुल्हन बनी है माँ, बचले हुए जज्बान जरा होने को मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। और स्टेज पर ये सुपर हिट गाना लेकर आ रही हैं, बच्चों का खेल नहीं ये सिंगिंग है जानी, बच्चों का खेल नहीं ये सिंगिंग है जानी, इसी फीलिंग के साथ स्टेज पर आ रहे हैं चंद्रू वासवानी। आवाज की जादूगरी से जब लेकर जो दिल से एकदम सिंपल, तालियों के बीच स्टेज पर धूम मचाने आ रही है बिग मानी बिल्कुल। Tell me,
जब सबने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि जब जब भी किशोर घर पर आते हैं वो इतने मजेदार किस्से सुनाते हैं कि मैं इतना हंसती हूँ और मेरा गला खराब हो जाता है ना। ये मजेदार किस्सा, बहुत ही मजेदार किस्सा है। मुकद्दर का सिकंदर मूवी का सुपर हिट गाना है दिल तो है दिल, दिल का एहसान क्या कीजिए। आइए गाना सुनते हैं। जिनका नाम भी है सुंदर, जिनका नाम भी है सुंदर और जो खुद भी है सुवर्णा, तालियों के बीच स्टेज पर आ रही है दातू अपर्णा। अपर्णा खूबसूरत और इतना शानदार प्रोग्राम जा रहा था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश था और बारिश की वजह से पावर कट हुआ बहुत देर तक और जनरेटर भी सपोर्ट नहीं कर पाया उतना टाइम तक, तो फाइनली हमारा प्रोग्राम बीच में ही हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, मतलब रिदम एंड सोल टीम फिर से अपना ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ करेगी और फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन आगे आप देखिए कि जो टैलेंट है उसको लाइट की माइक की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए जो ये जो कलाकार थे, ये जो सिंगर्स थे जिनका हॉबी है सिंगिंग, ये सब यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरी हॉबी है राइटिंग और एंकरिंग और इस तरह की चीज़ें, वैसे ही इनकी हॉबी है सिंगिंग। तो बिना लाइट के भी बिना माइक के भी ये लोग गाना गाए बहुत टाइम तक और लोग इनका इस तरह का गाना भी सुनने के लिए बैठे, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आप भी इंजॉय कीजिए।
हमेशा देखा यही है, मिलन के संग है जुदाई, शायद वो होगा दीवाना, चाहती जिसने बनाई, चाहे जलूं चाहे मरूं फिर भी तेरे गुण में गाऊं, जीरो जीनी तुम ही जे आहा, जुगे जुगे आमी तुम्हारी। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए ओ चला जाता हूँ, किसी के गुण में धड़कते दिल के तराने लिए। समझ जाऊंगा नजरों से बताना मुझको, मैं समझ जाऊंगा नजरों से बताना मुझको, कच्ची दीवार हूँ। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी एंड इंडियन इन गाना। बाय बाय, राम राम।